हाय एवरीवन, सो वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप एक्वेरियम्स की बात करो और गोल्डफिश का नाम ना है। मतलब हर जिसको पता भी नहीं होता एक्वेरियम क्या होता है, उसको गोल्डफिश के बारे में थोड़ा ना थोड़ा तो पता ही होता है। सो सब एक्वेरियम्स लवर्स, फिश लवर्स का पहला प्रेफरेंस तो गोल्डफिश ही होता है। लेटर ऑन वो मूव कर जाते हैं दूसरे फिशेस की ओर। सो देख सकते हैं, मतलब आप रख सकते हो, अगर आपको फिशेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना, तो एक छोटा सा एक्वेरियम ला के जब शुरुआत करनी हो तो 2-3 गोल्ड फिश ला के आप ऐसे रख सकते हो, ठीक है। सो इससे आपको एक फ़िशेस के बारे में नॉलेज भी हो जाएगा, आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, आपका शौक भी पूरा हो जाएगा। और ज़्यादा एक्सपेंसिव तो है गोल्ड फिश, बट वो पैंडा गोल्ड फिश, बटरफ्लाई टेल गोल्ड फिश होती है, वो ज़्यादा महंगी होती है। आपको 20 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, हमने तो 1 रुपये में भी गोल्ड फिश खरीदा। वो जो गोल्ड फिश के एकदम छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको फीडिंग फिश बोला जाता है। ऑस्कर्स और एरुआना, फिर फ्लावर ऑन फिशेस को फीडिंग फिश के तौर पर भी देते थे। तो देख सकते हैं ना, बस पानी साफ रखें, बहुत ही हैप्पी फिश है, उसको अच्छे से रखें। बहुत बड़ी भी होगी, उनके टेल्स बहुत ब्यूटीफुल होंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए पेट के साथ।